हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. द टॉपिक इज ऑफ क्लास 8. सो वी आर टू डू टुडे वर्कशीट नंबर 6 ऑफ डीएवी बुक, राइट? सो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड अपॉन 3 आइडेंटिटीज दैट यू हैव ऑलरेडी डन. वन इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, that is equal to a square plus 2ab plus b square. Then it is a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. And third is a square minus b square, that is equal to a plus b into a minus b. You have already done these identities and questions based upon these. So the worksheet that today we are to do is this worksheet number 6. In this worksheet, there are total 20 questions. So we will be doing these questions. So let's start. Question number 1. This exercise is very important and it will be there in class 9th also. So see carefully. X square plus z square minus 2xz, we are to factorize it. ध्यान से देखना कैसे करना है. x square को आप x का होल स्केयर लिखेंगे और अपने माइंड में बोलेंगे a square. लिखना आपने x का होल स्केयर है और अपने माइंड में बोलना है a square. प्लस इसको आपने z का होल स्केयर लिखना है और अपने मन में बोलना है प्लस बी स्केयर. तो ये बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर. माइनस को माइनस लिखना है, 2 मल्टीप्लाइड a, तो a के प्लेस के ऊपर क्या है x, मल्टीप्लाइड b, तो b के प्लेस के ऊपर क्या है z. तो आपने लिखा x का होल स्केयर प्लस z का होल स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाइड एक्स मल्टीप्लाइड जेड. अब आपने आइडेंटिटी लिखनी है. कौन सी आइडेंटिटी है वो लिखेंगे. यूजिंग आइडेंटिटी, जैसा ये आपने ओपन किया ऐसी ही आइडेंटिटी बनेगी. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये आपने वही चीज लिखी जो आपने यहां एक्सपेंड की थी. ये किसके बराबर होती है आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी होती है इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट, a के प्लेस के ऊपर क्या है x, माइनस b के प्लेस के ऊपर क्या है z. तो आप लिख दोगे x माइनस z का होल स्क्वायर. अब जैसे आपके पास कभी 5 स्क्वेयर होता था तो आप उसको क्या लिख देते थे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. इसी तरह यहां पर x माइनस z का होल स्क्वेयर है तो आप इसको दो बार लिख दोगे, x माइनस z एक ब्रैकेट में और x माइनस z दूसरी ब्रैकेट में, राइट? सो दिस वाज क्वेश्चन 1. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x2, ये होल स्क्वायर नहीं है सिर्फ 4x2 प्लस 9y2 माइनस 12xy. सेम इसी तरीके से करना है जैसे आपने ऊपर किया. आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का और x2 किसका स्क्वायर होता है x का. क्या आप इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस. और अपने माइंड में क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस इसको किसका होल स्क्वायर लिखेंगे, 9 3 का होल स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर वाई का होता है, तो आप इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर. और अपने माइंड में क्या बोल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे माइनस है तो माइनस 2ab करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड a के प्लेस के ऊपर 2x और b के प्लेस के ऊपर 3y. तो ये बन गई आइडेंटिटी. इसके नीचे आपने आइडेंटिटी लिखनी है यूजिंग आइडेंटिटी.
कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, और ये किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर के इक्वल होती है, ए माइनस बी होल स्क्वेयर। अब इट इज इक्वल टू, ए के प्लेस के ऊपर क्या है, टू एक्स है, माइनस बी के प्लेस के ऊपर क्या है, थ्री वाई, और उसका होल स्क्वेयर, ये बना टू एक्स माइनस थ्री वाई का होल स्क्वेयर। अब आप इसको ओपन करके दो बार लिख दो, क्योंकि स्क्वेयर है, टू एक्स माइनस थ्री वाई एक ब्रैकेट में और टू एक्स माइनस थ्री वाई दूसरी ब्रैकेट में, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। 64a² प्लस 49b² प्लस 112ab। अब आप सोचो 64a² को हम किसका होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, 64 8 का स्क्वेयर होता है और a स्क्वेयर a का होता है, तो आप इसको लिखेंगे 8a का होल स्क्वेयर, और माइंड में क्या बोलेंगे, ए स्क्वेयर प्लस 49 किसका स्क्वेयर है, 7 का, और बी स्क्वेयर किसका है, बी का, तो आप लिखेंगे 7b का होल स्क्वेयर। आप अपने माइंड में क्या बोल रहे हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाइड ए की वैल्यू 8a है और बी की वैल्यू 7b है, तो आपने वैसे ही लिख दिया। अब आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर के बराबर, राइट। तो इट इज इक्वल टू ए के प्लेस के ऊपर क्या है, 8a प्लस बी के प्लेस के ऊपर क्या है, 7b, 8a प्लस 7b, और इसका हो गया होल स्क्वेयर। तो अगर होल स्क्वेयर है, अब इसको आप दो बार लिख दो, 8a प्लस 7b इंटू 8a प्लस 7b, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, राइट। अब क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर भी बिल्कुल मिलता जुलता है, 121p² प्लस 16q² माइनस 88pq। अब आपसे मेरा क्वेश्चन, 121 किसका होल स्क्वेयर है, 11 का, तो आप इसको 11p का होल स्क्वेयर करेंगे और माइंड में क्या बोलेंगे, ए स्क्वेयर प्लस इसको किसका स्क्वेयर करेंगे, 4q का, और 4q होल स्क्वेयर, और माइंड में क्या बोल रहे हो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाइड ए, तो 11p मल्टीप्लाइड बी, तो बी क्या है, 4q है। अब आप आइडेंटिटी लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab किसके बराबर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, राइट। तो ए की वैल्यू क्या है, 11p माइनस बी की वैल्यू क्या है, 4q, उसका होल स्क्वेयर हो जाएगा, और ये ओपन करेंगे आप इसे, 11p माइनस 4q इंटू 11p माइनस 4q। अब क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं, 9x² y माइनस 24xy² प्लस 16y³। अब
अगर आप इस आइडेंटिटी को बनाने की सोचते हो तो आपको यहाँ पर एक चीज डिफरेंट सी दिख रही है कि पावर 3 आ गई, जनरली आपके पास पावर्स 2 है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं वो कॉमन क्या निकालें। वाई यहां भी है, वाई यहां भी है, वाई यहां भी है, एक्स हम कॉमन निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है और इधर एक्स की कोई टर्म है ही नहीं। तो वाई वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में वाई की सबसे छोटी पावर क्या है? 1। तो आपने क्या करना, इन तीनों टर्म्स में वाई कॉमन निकालना और स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। अब ये वाई कॉमन आ चुका तो बचा क्या, 9x² माइनस 24x। ये वाई स्क्वायर था ना, तो वाई स्क्वायर का मतलब वाई मल्टीप्लाइड वाई, एक वाई तो आप बाहर निकाल चुके हो तो एक वाई बचा, तो ये बचा माइनस 24xy प्लस 16 का 16। यहां पर ऑलरेडी y 3 टाइम्स था मल्टीप्लिकेशन में, एक तो आपने बाहर निकाल दिया तो कितने बच गया, y पावर 2 बच गया, बिकॉज 1y यू हैव ऑलरेडी टेकन आउट। अब y को y लिखोगे, उसके बाद आप एक स्क्वेयर ब्रैकेट लगाओगे। 9x² किसका होल स्क्वेयर होता है? 9 किसका होता है? 3 का। तो x² किसका होता है? x का। तो आप इसको लिखोगे स्मॉल ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर, और माइंड में क्या बोला आपने, ए स्क्वायर। अब बीच में वो नेगेटिव टर्म आ गई, आपने थोड़ा सा आगे करके यहां प्लस लगाया और 16y² को 4y का होल स्क्वायर लिख दिया, और अपने माइंड में क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बीच में माइनस थी तो माइनस लगा दो, 2 मल्टीप्लाइड a, तो a क्या है 3x, मल्टीप्लाइड b क्या है 4y, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो आपने क्या बना दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां पर आपने एक आइडेंटिटी लिखनी है यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि आप इसको यूज करने वाले हो, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब चाहे आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखो या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इट इज इक्वल टू वाई को वाई रहने दो इंटू, यहां जो ब्रैकेट के अंदर चीज है उसके ऊपर ये आइडेंटिटी लगेगी, तो ए की वैल्यू क्या है 3x माइनस बी की वैल्यू क्या है 4y, और उसका हो गया होल स्क्वायर y इंटू 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो y को आप y लिखो, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4y एक बार और दूसरी ब्रैकेट में भी 3x माइनस 4y दूसरी बार। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, y ये 3x माइनस 4y था एक बार और 3x माइनस 4y दूसरी बार। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में मैंने किए हैं पहले 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। आई होप यू हैव फुली अंडरस्टूड दीज। थैंक यू।